हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी रेसिपी है चिकन ब्रेड की, जो कि उन लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल है जिनके पास ओवन नहीं है। ये रेसिपी हम बनाएंगे विदाउट ओवन। सबसे पहले हम लेंगे मैदा 2 कप्स, यीस्ट लेंगे 1.5 टीस्पून, सॉल्ट हम लेंगे 1 टीस्पून, शुगर हम लेंगे 1.5 टीस्पून, 1/4 कप ऑफ मिल्क हमें चाहिए ल्यूक वार्म, उसके बाद हमें चाहिए ऑयल 4 to 5 टेबलस्पून, ल्यूक वार्म वाटर लेंगे हम एज डिज़ायर्ड इसकी डो को गूंदने के लिए। चलिए हम बनाते हैं इसकी डो। मैदा डालेंगे, इसमें हम नमक डालेंगे, नमक के बाद हम इसमें यीस्ट डालेंगे, शुगर डालेंगे। अच्छी तरह से हम अब इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें अब हम ऑयल डाल देंगे। मिल्क डालेंगे। ये 2 कप मैदे के हिसाब से परफेक्ट रेसिपी है। बाकी आप लोगों ने क्वांटिटी बढ़ानी होगी तो आप उस हिसाब से सारा इंग्रेडिएंट बढ़ा देंगे। अच्छे से गूंदें इसको, ज़रूरत पड़ने पर ज़रूरत के तहत जितना पानी चाहिए वो ऐड करें। अच्छी सी डो तैयार करें जो कि स्टिकी ना हो, ख्याल रखिएगा। हाथों में बेशक आप ऑयल लगा कर डो को गूंद लें ताकि चिपके ना। तो जी, डो हमारी रेडी हो गई है। अब इसको हम एक बाउल में रख देंगे। बाउल में रखने के बाद हम इसको कवर करेंगे, क्लिंग रैप से आप इसको कवर कर दें। ऑलमोस्ट 1.5 घंटा आप इसको रख दें। अब हम चिकन की तरफ चलते हैं। उसके लिए हमें चाहिए बॉइल्ड शेडेड चिकन, चॉप्ड अनियन, लाल मिर्च और चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी एज पर टेस्ट, एक स्लाइस आप ले लें चीज़ का, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चिकन पाउडर, काली मिर्चें, मेल्टेड बटर, कलमंजी के दाने ले लें, दूध ले लें 1/4 कप, थोड़ा सा ऑयल चाहिए होगा हमें रेसिपी के दौरान। तो चलिए चिकन बनाते हैं। सबसे पहले पैन में ऑयल डालें और उसमें आप प्याज डाल दें। प्याज को आपने बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, सौते करना है इसको जब ये कलर चेंज कर ले, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम इसमें बॉयल्ड चिकन डालेंगे। चिकन आपका अच्छी तरह से बॉयल होना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको गलाने के लिए टाइम नहीं देना। अब आप इसमें ऐड कर दें काली मिर्चें, लाल मिर्चें और चिली फ्लेक्स, चिकन पाउडर, नमक डाल दें। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे। फ्लेवर आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एडजस्ट कर लें। थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्सिंग के बाद आप इसमें दूध डाल दें। दूध खुश्क होने तक इसको अच्छी तरह से पकाएं। जब दूध खुश्क हो जाए तो इसमें आप चीज़ का स्लाइस ऐड कर दें। चीज़ आपका रूम टेम्परेचर का होना चाहिए ताकि फ़ौरन से मेल्ट हो जाए। इसको मिक्सिंग करें, उसी दौरान में चीज़ आपका मेल्ट हो जाएगा। बेहतरीन सा चिकन ब्रेड का मिक्सचर आपका तैयार हो गया। 1.5 आवर्स बाद डो आपकी कुछ इस तरह दिखेगी। ये देखिए, इसमें जो जाल नज़र आ रहा है ना, ये इसकी निशानी है। बेहतरीन की डो आपकी बहुत अच्छी तैयार हुई है, रेस कर गई है और बहुत अच्छी तैयार हो गई है। अब आप इसको अच्छी तरह से नेट कर लें दोबारा से थोड़ा सा। चलिए बनाते हैं हम चिकन ब्रेड। अच्छा, ये क्वांटिटी की आपकी ऑलमोस्ट 2 से 3 चिकन ब्रेड बन जाएंगी। बनाने के लिए आपने सबसे पहले इसका हाफ ले लें,
क्योंकि हम लार्ज साइज़ भी चिकन ब्रेड बनाएंगे, साथ में हम आपको स्मॉल साइज़ चिकन ब्रेड भी दिखाएंगे। आटे को बेल लें। बेलने के बाद आप इसकी सेंटर में चिकन की फिलिंग करें, अच्छे से सेंटर में चिकन फिल कर दें इस तरह से। जितना अच्छी सी फिलिंग करेंगे उतने मज़े की चिकन ब्रेड लगेगी और उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। वो लोग बहुत इंजॉय करेंगे जिनके पास ओवन नहीं है। अब हम इसकी साइड्स कट कर लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों तरफ से। आपने इसकी फोल्डिंग पे ख़ास ध्यान देना है, ठीक है। फोल्ड्स आपके इसी तरह से होना चाहिए ताकि चिकन की ग्रिप हो जाए, ठीक है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही मज़ेदार सी चिकन ब्रेड तैयार होने वाली है। ब्रेड रेडी हो गई है, हमने इसको अच्छी तरह से शेप अप कर लिया है। चलिए अब हम इसको ग्रीस करेंगे बटर के साथ। अच्छी तरह से हम बटर कोट कर देंगे और इसको ऊपर हम कलमंजी सीड्स से गार्निश कर देंगे। अच्छा, याद रखें हम ये बनाने लगे हैं देचके में, तो आपने देचके को 40 मिनट्स बिफोर प्री हीट कर लेना है। देचके में आपने नीचे ज़्यादा सारा नमक डालना है। नमक के बाद आपने ऊपर स्टैंड रख के पिज़्ज़ा प्लेट रख के उसको बटर पेपर से ग्रीस करके चिकन ब्रेड उसके अंदर रख देनी है। तो ये हमने बड़ी चिकन ब्रेड रख दी है। अब हम उस मीन वाइल में छोटी चिकन ब्रेड भी तैयार करके बेक होने रख देंगे। ओके, वेट आपने इसके ऊपर लाजमी देना है। ये देखिए तकरीबन 15-20 मिनट्स बाद हमारे चिकन ब्रेड की ये लुक आ रही है। इसके ऊपर हम दोबारा से बटर ग्रीस करेंगे। फोक मार के चेक करें कि एक कच्चा मैदा फोक पर नहीं आना चाहिए। चीज़ के स्लाइसेस रख दें जस्ट फॉर गार्निशिंग। तो चलिए आफ्टर 40 मिनट्स हमारी ये चिकन ब्रेड तैयार हुई है। देखिए कितने मज़े की चिकन ब्रेड लग रही है। ये देखिए फुल सॉफ्ट एंड जूसी है, चिकन का फ्लेवर बहुत ही मज़े का है। मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।